बताओ। बड़ाऊ गांव के अंदर रात को दुर्घटना हुई। अच्छा। सिर्फ लापरवाही किसकी वजह से? हॉस्पिटल का पूरा प्रशासन लिप्त था उसके अंदर, उसी की वजह से सारा काम हुआ। ये एक बच्चा एक्सपायर 22 साल का, उसके दो बेटियां हैं, उसकी वजह से ये सब एक्सपायर हुआ। वो लड़का इतना सिंसियर था, सिर्फ लापरवाही हॉस्पिटल का पूरा प्रशासन की थी। ना तो डॉक्टर रहते हैं, सब दारू पी के रात को सोते, इनके आजू बाजू में गाँव रहते हैं, इनकी सबकी पोस्टिंग बाड़मेर कराओ। यहाँ पे सारे डॉक्टर जितने भी है ना, सब आजू बाजू के गाँव के हैं, इनको एक को भी यहाँ पे नहीं रखना, सबको आजू बाजू से। यहाँ के 20 किलोमीटर से कोई भी डॉक्टर अगर यहाँ पे है, उसको कम से कम भी 70-80 किलोमीटर दूर भेजो, यहाँ तभी इसी हॉस्पिटल का प्रशासन समझेगा, वरना यहाँ पे ऐसी दुर्घटना होगी। ये रोड आती है हाईवे 4 लाइन, इस 4 लाइन तो नहीं है वैसे, स्टेट हाईवे के अंदर इतनी दुर्घटना होती है, ये हॉस्पिटल पूरा केयरलेस है। इस हॉस्पिटल के अंदर एक भी रिस्पॉन्सिबल कोई डॉक्टर नहीं है, किसी को पट्टी करनी नहीं आती, वो डॉक्टर कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। इस गांव के अंदर 8000 आदमी है, कम से कम 8000 की आबादी है, वो ये मान लो 100 से 8000 से ज्यादा लोग हैं वहां पे, एक छोटी मोटी दुर्घटना होती होती है और एक डॉक्टर भी नहीं मिलता। और यहां पे जितने भी स्टाफ है ना, इन स्टाफ को पूरा तबादला करो, इनको हटाओ यहां से, हमें नहीं चाहिए ऐसा, ये सक्षम नहीं है। ये तो मैं प्रशासन भी मामला प्रशासन कोई को नहीं है, प्रशासन वरशासन कुछ को नहीं, कोई जीरो रिस्पॉन्स हो, कोई को नहीं आए, मान लो जीरो रिस्पॉन्स हो, कोई कुछ कौन संभाले हो, अरे पट्टी कौन करनी आवे, डॉक्टर ही गया बताओ, इनको पट्टी नहीं करनी आती है, डॉक्टर नहीं है। ये है और बोले एम्बुलेंस में हवा को ना, इसमें हवा भी नहीं है ना, कोई ड्राइवर है, और ड्राइवर कागजम दिखा रहा है कि वो ड्राइवर है, ट्रीटमेंट दियो जा है, वो बिन दियो कौन दियो, कुछ भी कौन दियो, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दियो, है ही नहीं, इनके पास ट्रीटमेंट है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं था, तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर देता है ना, डॉक्टर ही नहीं यहां पर, और इडाते हैं बोला कि भाई एम्बुलेंस में हवा को ना, 8:30 के बजे, सुबह 8:30 की बात है, एम्बुलेंस की जगह है वहाँ पर, तो मेडिकल बना दिया उन्होंने, वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होने चाहिए, ये इमरजेंसी के लिए है, यहाँ पर इमरजेंसी के सामने लाके एम्बुलेंस दे रखी, एक एम्बुलेंस है भाई साहब, इनकी चलती है रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी है, बाहर की जांच कराओ और बाहर से पैसे लो, इनको लूटो, गांव वाले हैं बेचारे सीधे साधे और ये लूटते हैं, बोली बाड़ी जनता को 10 रुपए की जांच 100 रुपए में 2000 में कराते हैं, बाहर की करते हैं, और सब कुछ बाहर का सिस्टम है, सारा सब कुछ बाहर का है, जांच भी बाहर से करवाते हैं, गोली भी बाहर की लिखते हैं। क्या नाम बताया था? राकेश कुमार। अच्छा जी, हाँ, की डेथ मौत हुई है, वो लड़को आके लापरवाही खत्म, लापरवाही से खत्म हुआ, नहीं तो धरना नहीं देते, सुविधा नहीं थी, साफ साफ मना कर दिया कि एम्बुलेंस में हवा नहीं है, और हर बार का यही नाटक इनका, एम्बुलेंस का अभी जयपुर से आ रहे हैं उनको लेकर, प्राइवेट में लेकर, प्राइवेट में आए थे तब ये बोल सकते थे ड्राइवर नहीं है, तो तनखा ड्राइवर की किसको दे रहे हैं, कागजों में दिखा रखा ड्राइवर। अभी सर आज से 20 दिन पहले मैं मेरे ताऊ जी को लेके आया, तब भी मैं बोला सांस की प्रॉब्लम है, सांस नहीं आ रहा है, तो एम्बुलेंस की जरूरत है ऑक्सीजन की, तो सर हमारे को प्राइवेट गाड़ी में भेजे, बोले नहीं है। एम्बुलेंस से अगर जोधनू जाया जाए तो सिर्फ 30 या 35 मिनट लगते हैं, अगर प्राइवेट गाड़ी से जाया जाए तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, तो इन लोगों ने सुविधा नहीं दी एम्बुलेंस की, और इनकी लापरवाही की वजह से वो खत्म हुआ है। घटना ये थी कि भाई जिस टाइम भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो 8:30 के बाद 9 के समथिंग हुआ था, तो उस दौरान क्या है कि जो हमारे एक मित्र हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, वो आ रहे थे, तो उनको पता, वो यहाँ लेकर के आए, उनको एडमिट कराने के लिए लेके आए, तो उनके साथ इनका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं रहा, उन्होंने इसको रेफर के लिए कहा, तो रेफर के लिए इनको ऑप्शन दिया कि भाई प्राइवेट गाड़ी करो, तो उन्होंने कहा कि भाई एम्बुलेंस है ना अपने पास, उसको भिजवा दो, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने वो ना दे करके फिर प्राइवेट गाड़ी में मैं खुद लेके गया हूँ। प्राइवेट गाड़ी इसलिए की कि भाई रास्ते में एम्बुलेंस इसलिए चाहिए थी कि भाई उसको ऑक्सीजन मिल जाए और रास्ते में जल्दी से जल्दी वो पेशेंट वहाँ पहुँच जाए, अब उसको फिर एम्बुलेंस से ये प्राइवेट गाड़ी में लेकर के गए थे, फिर उसको अपन ने रेफर करवाया दोनों से जयपुर के लिए। ये और उसके लिए अगर देखो इस एम्बुलेंस को भी मेन गेट के आगे खड़ा रखते हैं, इसको देखते पेशेंट करेगा, इमरजेंसी में कभी कहीं नहीं, 18 मौतें हो चुकी हैं समथिंग 1 साल के अंदर एम्बुलेंस की कमी से,
18 मौत एम्बुलेंस की वजह से हो चुकी है, 18 मौत हो चुकी है और इसके लिए गैराज दे रखा है। चलाऊ नहीं सर, चलाते हैं ना, नाश्ता पानी लेके आते हैं बाजार में घुमा के, नाश्ता पानी लेके आते हैं। 12,000 का डीजल गल गया, 900 किलोमीटर चल गए, कहाँ पर लेके गए थे, कौन से हॉस्पिटल में गई थी एम्बुलेंस? 900 किलोमीटर चली है, 900 किलोमीटर कहाँ पर चली है? आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है बड़ाऊ गांव में। 900 किलोमीटर चल चुकी है, 900 किलोमीटर ये 12,000 का डीजल गल चुका है। बाहर से गाड़ी लाते हैं, एवरेज भी नहीं आता। अभी यो जो जो गांव ग्रामीण ही जो परिजन ही जतका पूरा खड़े ही काफी लोग है बता रहे हैं कि आज जो मौत हुई है मोती नाम का लड़के की, आ मौत हॉस्पिटल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह हुई है। दूसरी वजह यह बता रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है बाकी की बिन सुविधा कौन मिली, दूसरा कारण यो बता रहे हैं। तो अभी आप हाँ उरे जका कर्मचारी ही बाहू आप बात करांगा, आपको जो को बड़ो अधिकारी है भी हूँ बात करांगा, मान पूछें कि वो मामलों कठे तक सही है या कुछ और बात है। भाई जैसे ही श्रीमान वो सीएम ने हमें यहाँ, मैं आरसीसो डॉक्टर दयानंद सिंह जंगनू सीएम के निर्देशानुसार जो रात को जो घटना हुई, जो एक डेथ हुई उनको सीकर से जयपुर के बीच रास्ते में हुई, तो एम्बुलेंस के लिए सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए, तो उस संबंध में ये किया गया कि जो एमआरएस में थोड़ा पैसे का अभाव है, इसलिए अभी फिर भी ये तय हुआ है कि चिरंजीवी के माध्यम से इसमें 2 ड्राइवर रखे गए हैं और तत्काल प्रभाव से इसकी व्यवस्था करनी है। अधिकारी प्रभारी सर हवा उसमें पूरी है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ग्रामीण गुमराह तो करेंगे है ना, तो सभी को इनको समझा दिया गया, सभी यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ये सब यहीं मुख्यालय पर हमारे यहाँ। दूसरी बात सर, उरे डॉक्टर्स जो ही वहाँ के ऊपर भी बाहर ने जो खड़े ही लोग बागी जो पेशेंट दिखाना है उरे वहाँ भी मैं पूछताछ करी, तो वह भी बता रहे हैं कि कुछ लापरवाही कर रही है, जहाँ दवाई बारू भी लिखवाऊँ जाँच भी बार ये मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है, तो मैंने उनको जो ये अभी जो ग्रामीण कह रहे थे कि हमारे जाँच बाहर से लिख रहे हैं या दवाई बाहर से लिख रहे हैं, तो मैंने उनकी जो जो प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप है या जो उनका जो उन्होंने जो पेमेंट किया या जो जांच लिखी है वो मैंने अभी मंगाई है, यदि ऐसा पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य के लिए इनको कह दिया कि कोई भी जो जांच और जो मेडिसिन है वो आप एनी हाउ सारी वो आप उनको सीएचसी से उपलब्ध कराएंगे। सर दूसरी एक आरोप, सिर्फ जांच के लिए एक आरोप हो रहा है कि हमारी जांच वो एलटी मिलता नहीं है, मात्र एक एलटी है, तो जब जब वो अवकाश पे जाता है तो कोई दूसरा कोई जांच उसको कर नहीं सकता, इसलिए ये प्रॉब्लम सामने आई है। जो जिसका समाधान उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीणों की जो मांग है उसके बारे में हमने एम्बुलेंस की 2 ड्राइवरों की व्यवस्था कर दी है, तो जो ग्रामीण है खुद ने ही कहा कि हम ग्राम के 2 ड्राइवर आज आपको उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है वो आज और कल में जो भी व्यवस्थाएं आसपास से होगी उसकी आपको हॉस्पिटल लेके आए, हमारे चिकित्सक यहाँ पर जो तीनों चिकित्सक यहाँ पर थे, जो भी अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट उनको देना था उसको उनको दिया गया है और उसको टाइमली रेफर किया गया है। जो एम्बुलेंस की जो ड्राइवर की समस्या आई है तो वो एमआरएस में थोड़ा बजट अभाव के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए ये समस्या थी जिसका आज समाधान किया गया है। हॉस्पिटल कमाई जाए थे थारी मम्मी लेके आए हो तो उरा जाए थे आओ कई बार तो उरा थनके लागे कि ट्रीटमेंट के तरीकों कर रहे हैं, तो ढंगो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक लापरवाही कर रहे हैं, क्या लागे था ना? जो हकीकत है बाप बताओ। ज़्यादा तो कुछ नहीं सर, लेकिन है ना दवाई दवाई अच्छी नहीं देते, ये थोड़ी अच्छी दवाई होती है ना उसको तो बाहर लिख देते हैं कि बाहर लिया करो ये दवाई, और ऐसे थोड़ा नॉर्मल साल्ट की दवाई ये दे देते हैं, खांसी है तो भी एक ही दवाई देते हैं, बुखार है तो भी एक दवाई देते हैं, अगर किसी को उल्टी होती है तो भी पैरासीटामोल दे देते हैं, कहते हैं पैरासीटामोल ले लो, और बाकी अगर अच्छी दवाई होगी ना कि भाई हाँ ये इसमें आराम आएगा वो जाके बाहर लो, ऐसे थोड़ा कुछ नहीं है ऐसा इसमें। हाँ डॉक्टर भी नहीं है बिल्कुल भी, एक डॉक्टर रहेगा इतनी भीड़ होगी, 2 डॉक्टर होने चाहिए कम से कम, तो थोड़े आधे इधर हो जाएं आधे इधर हो जाएं, लेकिन सिर्फ बच्चों का भी वही डॉक्टर और ज़्यादा किशोर अवस्था वाले कुछ भी हो जाए वो एक ही डॉक्टर देखेगा सिर्फ। पूरी लापरवाही आज ही करी है या फिर सदा ही करें? हमेशा ही करें। अभी मीटिंग में 1-2 घंटा में बैठा है माई में, पूरा साहब ऐसा आया नहीं मीटिंग में, सुना हूँ। अच्छा जी, लेकिन पूरा पूरी लापरवाही है कि मन की मर्जी करें, 8 बजे को टाइम है डॉक्टर, कोई 12 बजे आओ कोई 1 बजे आओ, कोई तो पूरा ही है। पूरा कोने हूँ डॉक्टर भी, डॉक्टर भी कोने रहा जी। थैंक यू, क्या नाम बताया था? मेरा नाम जब्बार खान जी। जी जी मेरे साहब, हाँ दवाई तो घर ले, यहाँ बीच में जाए कोई मरीज हो जाए कराना, टाबर हो जाए कोई और हो जाए, ढंग लगा पूरा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर लापरवाही खूब कर रहे हैं, दवाई ढंग से कौन दे रहा है? डॉक्टर आवा वो तो क्या लापरवाही करेगा, डॉक्टर तो जो लिखनी है बीमारी है मेरा तो बात लिखेगा, दवाई जो उरे मिल जाएगी बात मिल जाएगी, नहीं बाहरों मेडिकल लूँ। हाँ
एक तो दवाई लेने आया हो, कोई आके फायदा हो के साहब कर्मचारी हो, वैसे तो हमारे बच्चे को कोई बोतल चढ़ रही थी उधर ले आए, बोतल चढ़ा रहे तो पूरा आया बता रहे कि हॉस्पिटल में लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखो मैं तो दो चार बार आया, हमारे पास तो कोई लापरवाही नहीं। ये मीणा जी हैं वो डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, सुविधा से हिसाब से देखते हैं हमारे बच्चों और नर्सिंग वर्सिंग हमें काम नहीं पड़ा। मीणा जी डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वही हैं इस टाइम पर हॉस्पिटल में। उन्होंने संतोषजनक देखते हैं हमारे बच्चे को, तीन चार पाँच दिन से वो बीमार थी और उसका इलाज करवाया तो उन्होंने संतोषजनक इलाज किया। हम इस बात से हम तो संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं। और ये हादसे तो होते ही रहते हैं, इसे तो कोई क्या बताएं। वो तो जी करें, एक तो माँ ही पड़े दवाई दी, कुनाक दवाई दी तो बारू लिखवाओ है कहे की कोई बात हो गई। टाइम पर थाने देखे हैं कौन देखे आप बताओ। देख भी रही देख भी रही अच्छा। और बाहर ने भी दी, माई ने भी दी है, माई ने भी दी और बाहर ने भी दी। डॉक्टर टाइम पर आवा है के आवा है कितने बजे को टाइम है डॉक्टर को? 9 बजे सुबह 9 बजे आ जाएंगे डॉक्टर। ये भी तो फिर कौन बजे थे कितने बजे आया डा हो रहे? आज तो 11 बजे का 11 बजे आया हो, 11 बजे डॉक्टर हाके हो रहा है। नंबर आगो थारो दिखा दियो कितने? हाँ दिखा दिया। जांच के लिए बैठे हैं, जांच माई नहीं करवा रहे हैं कि अब तो? हाँ। अब तो माई करवा रहे हैं ना? हाँ। माई करवाया तो माई। थारो के नाम है जी? मारो हाँ। मारो रजवन रजवन। हाँ। के तकलीफ होगी? तब पीड़ हो रही है सारे। अच्छा हाँ। जना के बोले डॉक्टर? डॉक्टर जांच लिख दी नहीं, दवाई लिख दी के? हाँ। के बोले उरई मिल जाएंगे एक बार? हाँ, उरई मिल जाएंगे। अच्छा थारा के दिक्कत होगी? मेरे पासों में दर्द है। पासों में दर्द है के कहे डॉक्टर साहब? मैं जांच करवाई है। जांच करवाई है तो जांच उरई करेगा बाहर न करेगा? जांच तो मायने करेगा जी। ये सरपंच जी ही जक्के गांव का ही जक्के मायने लड़के की डेथ हुई है। हाँ मैं ग्राम पंचायत बड़ाऊ सरपंच जितेंद्र सिंह चौहरिया। हमारे गाँव में कल रात को एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे गाँव का ही एक बच्चे का, और बच्चे की डेथ भी हो गई जयपुर पहुँचते। तो ये एक्सीडेंट होने के बाद में सुबह ही गांव वाले यहाँ के धरना प्रदर्शन किए, करीब 4 घंटे 4.5 घंटे से हम लोग यहीं हैं, हॉस्पिटल में ही हैं। उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया, विधायक जी को भी फ़ोन किया, मीटिंग चल रही है और मीटिंग में अभी यही निर्णय लिया गया है कि कल हॉस्पिटल में ये जो हॉस्पिटल है ना एम्बुलेंस है उसमें 2 ड्राइवर मिल जाएंगे और परिवारी को भी बदल रहे हैं। तो जो लड़कों ख़त्म हो गए बच्चा जो ख़त्म हो गया है उसके साथ हम हैं और जो भी उसकी आर्थिक सहायता की जाएगी सरकार से भी और पंचायत से हम तत्पर हैं, तैयार हैं। तो ये जो लापरवाही बता रहे हैं रियल में लापरवाही है क्या? एक्चुअली हाँ एक्चुअल में लापरवाही है। देखो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी है और उसका मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो ये तो परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार का मुखिया है कोई भी हो, अपने घर में पिताजी है। पहले भी हो चुकी तो सरपंच आते थे भी इन बार जो पहले भी बातें हुई ने तो इंचार्ज से जब भी बात होती है इंचार्ज यही कहता था कि ये एम्बुलेंस को है ना 108 में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इसका प्रस्ताव लिया गया है और भेज दिया गया है भी इनके रजिस्टर में होता है ये। अब ये भेजे हैं नहीं भेजे हैं उस वो यहाँ रजिस्टर तक ही सीमित रहता है। अब तो काफ़ी वारदात हो चुकी पहले? हाँ कम से कम 20 के लगभग वारदात हो गई और 4 ने शिकायत करी गई कि वहाँ नहीं शिकायत नहीं उच्च अधिकारियों को उन्हें फोन करके उन्हें बुलाया गया यहाँ। हाँ तो और आश्वासन की बात बता रहे हैं किसकी नहीं है ड्राइवर के लिए बजट? भाई बजट ही नहीं है ठीक है। अब आज ने उच्च अधिकारी कैसे कह रहे हैं कि भाई बजट आ गया है, कल से ड्राइवर मिल जाएगा, तेल भी मिल जाएगा, पेट्रोल पंप को भी है ना वो कर देंगे। अब कहाँ से आ गए भी पहले भी तो ये है तो इन्होंने भी उच्च अधिकारी या उच्च नेता जो भी है ना वो इतने दिन हमारे गांव के ये देख रहे थे कि भाई डेलीगेट लिए नहीं रात में बुझे है तो पहले भी बुझे कई बुझे तो लापरवाही तो काफ़ी दिनों पाल दिए तो थे जो मतलब जो राजनीतिज्ञ ही जो कर्मचारी ही इतना दिन सूत्या क्यों रिया? अगर ये जाग जाता पहले तो उसके क्यों? हाँ ये बच्चा बच जाता ये बात सही है आपकी। अब जो बता रहे हो ना कि ये लोग पहले से जाग जाते हैं तो ये बच्चा बच जाता है।